अपने पास आया हुआ था एक यात्री का रिक्शा। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ई रिक्शे का जो पहिया होता है उसको कैसे पूरा फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने सब कुछ खोल रखा है और अपने स्टूडेंट को मोबाइल दे दिया है, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं खुद आज पहिया फिटिंग करके आप सभी भाइयों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मैं बता दूं। इसमें एक्सल कटा हुआ था, तो आज पूरा एक्सल भी फिटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए, एक्सल में जो हमारी बैरिंग लगती है वो 6205 लगती है, तो इसको हथौड़े की मदद से हल्का हल्का ठोक लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने हल्का हल्का इसको ठोक दिया है, और हल्की सी बैरिंग हमारी डिस्पेंसल के बाहर निकली होती है। ठीक है, कभी आप परेशान हो कि भाई ये पूरा बैठ ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा, तो भाई देखिए हल्का सा वो निकला ही होता है डिस्पेंसल से बैरिंग। तो अभी उसके ऊपर जब ड्रम प्लेट लग जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि फिट बैठ गया। ठीक है, तो हल्का सा वो बैरिंग बाहर होता है, और डिस्पेंसर में देखिए 4 बोल्ट लगते हैं हमारे 13 नंबर के, उसके ऊपर हमारी ड्रम प्लेट टाइट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बोल्ट लगा होता है वो 13 नंबर नट बोल्ट लगा होता है, और इसमें जो हमारे औजार लगेंगे यानी कि जो हमारी रिंचे लगेंगी वो लगेगी 13 नंबर और 12-13 का पाना। ठीक है, और आप 13 नंबर सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि यार ऐसे तो मैं ही वीडियो बनाता हूँ, अपने स्टूडेंट की स्टूडेंट काम कर रहा होता है और मैं वीडियो शूट करता रहता हूँ, मगर आज मैंने सोचा कि सभी भाइयों को आज मैं खुद काम करके दिखाऊंगा अच्छे से कि किस तरह से पहिया हमारा फिटिंग होता है। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी आज आपको। और इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप जो है पूरे पहिए को फिटिंग करना तो सीख जाएंगे। अरे एक बार में अगर नहीं सीखे तो दोबारा तो इंशाल्लाह सीख ही जाएंगे। तो इसको देखिए पाने की मदद से पीछे से रिंच से पकड़ के पाने से कस के टाइट करना है, क्योंकि इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ब्रेक हम कस कस के मारते हैं तो ये 4 बोल्टों पे ही ड्रम प्लेट हमारी टिकी रहती है। तो अच्छे से इसको टाइट करना है, और कोई भी नट बोल्ट करिए, देखिए कोई भी नट बोल्ट टाइट करिए तो अच्छे से ही करिए। ठीक है, पहिए का, क्योंकि पहिए के ऊपर ही हमारी गाड़ी चलती है, तो उसको अच्छे से टाइट करना है आपको। तो देखिए अभी हमारा एक्सल भी लग चुका है, बैरिंग भी लग चुकी है, ड्रम प्लेट भी लग चुकी है, और 4 बोल्ट को भी हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हमारी देखिए यहाँ पे केम है, और केम पे देखिए हल्की हल्की ग्रीस लगा लेंगे। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ आपको, देखिए सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे घर में अपने सफाई भी रख जैसे घर में भी रहते होगे तो सफाई रखते होगे, तो ऐसे काम में भी आपको सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए सफाई रखने से क्या होता है कि जब आप साफ़ सुथरा काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब कस्टमर आपको देखेगा साफ़ सफाई करते हुए तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी कहेगा कि यार हाँ ये कारीगर है, देखो कितना साफ़ सुथरी से काम कर रहा है साफ़ सफाई से। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फिर अभी हम ब्रेक शू को बैठाएंगे तो उस पर अच्छे से हमको रेगमाल लगा लेना, ताकि हमारे जो ब्रेक शू है चिकने हो जाते हैं चलते चलते, तो वो खुरकरे हो जाए। जब ये खुरकरे हो जाएंगे तो हमारी ड्रम पे अच्छे से चिपकेंगे, जिससे हमारी ब्रेक बहुत अच्छी लगेगी। तो हम अच्छे से इस पर रेगमाल मारेंगे, और भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ मोटर की, कंट्रोलर की, और वायरिंग की, लाइट कैसे जलेगी, हॉर्न कैसे बजेगा, मोटर फिटिंग सर्विसिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन बहुत मेन है। जब आप बेल आइकन को दबा दोगे, जैसे ही मैं वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा वैसे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूँ कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, और भाई वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, लिपसिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को भाई आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आपके भाई को ज़रूरत है, तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको रिक्शे की काम सिखाने की, जितनी मेरे पास नॉलेज है अल्लाह के करम से उतनी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अभी हमने ड्रम पे भी रेगमाल अच्छे से मार लिया है, और ब्रेक शू पे भी रेगमाल लगा लिया है, और अब साफ़ सफाई भी अच्छे से इसकी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कमानी में भी अच्छे से एल डालेंगे,
कमानी में देखें यहाँ पे आप एल डाल सकते हैं जहाँ पे हमारा बुश लगा होता है, तो यहाँ पे हम अच्छे से एल डाल लेंगे और उस तरफ वाली देखें कमानी में। देखें अभी मैं बांध तो इधर वाला पहिया रहा हूँ मगर मैंने उधर भी कमानी में एल डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पहिया बनाओ तो भाई एक ही कमानी में एल डालोगे, भाई दूसरी तरफ भी आप डाल सकते हो, अच्छा काम करके दो कस्टमर को ताकि दोबारा ज़रूर आए। और खैर अल्लाह का शुक्र है जो मेरे कस्टमर हैं वो कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि मैं काम उनको अच्छा करके देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनका दिल जीत लूँ और ये खुश हो के जाएँ। तो आप भी कोशिश करिए अगर काम करते हैं या कहीं काम सीख रहे हैं या आपकी शॉप है तो आप थोड़ा अच्छे से काम करिए कस्टमर का ताकि वो खुश हो। तो इस पे देखिए 30 नंबर नट हमारा लगा होता है, तो 30 नंबर नट से ये हमारा पहिया टाइट होता है, 30 नंबर नट लगा होता है और 30 नंबर ग्रुप का टामी से। अभी देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है जो हमारा नट है वो नट हमारा चढ़ नहीं रहा इसके ऊपर। तो इसमें जो है जब इसको हमने ठोका था पीछे से रख के, तो इसमें शुरू से ही खैर बाबरी थी, तो इसमें देखिए यहाँ आगे वाल थोड़ी सी बाबरी थी। कभी कभी होता है एक्सेल में जैसे माल आया तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर पटकता है इंसान तो आगे वाल थोड़ी सी बाबरी आ जाती है। तो देखिए हल्का सा मैंने उसको रेती से घिस दिया, अब मेरा नट अच्छे से चढ़ रहा है। तो अगर जैसे बाबरी आ जाती कभी आप पहिया ठोक के निकालते हो तो उसको रेती की मदद से हल्का सा आगे का हिस्सा घिस देंगे जब आप, तो आराम से नट आपका चढ़ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए पहिए को टाइट कर सकते हैं आप जिस तरह से मैं कर रहा हूँ फटाफट, और पहिए को हमें बहुत ही अच्छे से टाइट करना है ताकि पहिया हमारा ढीला ना हो। तो आप देख रहे होंगे मैंने किस तरह से आपको और कितनी आराम से और कितनी प्यार से मैंने आपको इसका पहिया बांधना सिखाया है, और आप देख सकते हैं पहिया कितना फ्री चल रहा है। मैंने आज इसीलिए मैंने आज सोचा कि यार स्टूडेंट को मैं अपने मोबाइल दे देता हूँ, कैमरा देता हूँ कि तुम उसको शूट करो और मैं आज वीडियो बनाऊँगा, आज मैं काम करके दिखाऊँगा। तो इसमें देखिए चीरा पिन एक लगती है, चीरा पिन लगाना बहुत ज़रूरी होती है, अगर चीरा पिन आप नहीं लगाएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए पहिया कहीं ढीला हो गया तो वो निकल भी सकता है, तो चीरा पिन से बहुत मजबूती भी आ जाती है और हमको एक इत्मीनान भी रहता है दिल को कि हाँ चीरा पिन लगी हुई है, अगर पहिया ढीला होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी देखिए इसकी ब्रेक टाइट करेंगे और फिर आपको चला के दिखाएंगे इसकी ब्रेक कितनी अच्छी लग रही है। पहिया देखिए हमारा बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल क्लीन चल रहा है, बिल्कुल सीधा, और ब्रेक भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।